हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मनीवर्स। मैं हूँ आपका दोस्त मनी। फ्रेंड्स, फॉलिंग स्काई मेरा फेवरेट टाइम है, क्योंकि इस टाइम में मैं उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाता हूँ जिन्हें डे लाइट में देखना इम्पॉसिबल है। एंड आई नो कि इस साल यानी 2021 के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के लिए आप सब लोग भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड होंगे। सो टेक अ नोटबुक और पेन टू नोट दी डेट एंड टाइम, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जनवरी में होने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब नया साल शुरू होगा तब अर्थ सन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे ऑर्बिट करेगी। ऑन 2 जनवरी अर्थ एट पेरिहेलियन। हमारी अर्थ सन के निश्चित डिस्टेंस पर ऑर्बिट करती है और ये ऑर्बिट सर्कुलर होता है। धरती से सूरज तक की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहलाती है, पर हमारी धरती का ऑर्बिट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। कभी इसका ऑर्बिट पास होता है तो कभी दूर। जब अर्थ पेरिहेलियन पे होती है तो वो सूरज से 91.5 मिलियन माइल्स की दूरी पर होती है। 4 जनवरी क्वाड्रेंटेड मीटर शॉर। फ्रेंड्स, जब ये शॉर अपनी पीक पे होगा तो हमें 40 मीटियर्स पर आवर देखने को मिलेंगे। ये शॉर 1 से 5 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा। ये 2 जनवरी की रात और 3 जनवरी की सुबह तक अपनी पीक पे होगा। इसका बेस्ट व्यू आपको डार्क लोकेशन में देखने को मिलेगा। वैसे तो आप इसे पूरे स्काई में कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन बूट्स कॉन्सुलेशन के पास ये ज्यादा रेडिएट होंगे। 13 जनवरी न्यू मून। फ्रेंड्स, न्यू मून तब होता है जब चांद अर्थ के सेम साइड पे आ जाता है और नाइट स्काई में हमें नहीं दिखाई देता। ये इवेंट 5 UTC पे होगा, IST के अकॉर्डिंग 10:30 AM पर। तो ये बेस्ट टाइम होगा गैलेक्सीज और स्टार क्लस्टर को देखने का, क्योंकि इस टाइम मून की रोशनी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये है जनवरी मंथ के मून फेसेस। एंड लास्ट फेस में आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी को फुल मून इवेंट है। इस दिन मून अर्थ के अपोजिट साइड पे होगा एंड ब्राइटेस्ट दिखाई देगा। ये फेस इवनिंग में 7:15 के करीब दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अमेरिकन ट्राइब इसे वॉल्फ मून भी कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग इस दिन एक भूखा भेड़िया आता है और हाउल करता है। 20 जनवरी अ चांस टू सी द यूरेनस। अगर आपके पास टेलीस्कोप या बायनोकुलर है तो आप उसे 20 जनवरी की रात को बाहर निकालिए, क्योंकि ये आपको इजी अपॉर्चुनिटी देंगे यूरेनस को देखने की। 20 जनवरी की रात को ये मून और मार्स के बीच में दिखाई देगा। जब आप बायनोकुलर या टेलीस्कोप की मदद से मून और मार्स के बीच में जूम करेंगे तो आपको एक धुंधली सी ब्लूइश डिस्क दिखाई देगी और वही हमारा यूरेनस है। 25 जनवरी अ चांस टू सी द मर्करी। अगर आपने अभी तक मर्करी को नहीं देखा है तो ये बहुत अच्छा मौका होगा उसे देखने का। 25 जनवरी को सनसेट के ठीक बाद आपको मर्करी 50% ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। आपको इसका बेस्ट व्यू होराइजन के ठीक ऊपर दिखाई देगा। आप अपनी फिस्ट से इसका डिस्टेंस नाप सकते हैं। ये सन के बहुत करीब ऑर्बिट करता है, इसलिए इसका एक ऑर्बिट जल्दी पूरा हो जाता है। जितना टाइम अर्थ को एक ऑर्बिट पूरा करने में लगता है, उतने टाइम में ये 3 ऑर्बिट पूरे कर लेता है। इसलिए हर 3 महीने में हमें इसको देखने का मौका मिल जाता है। मरकरी सन का सबसे करीबी प्लेनेट है, इसलिए ये हमेशा सनराइज या सनसेट के पहले या बाद में दिखाई देता है। सो ये थे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो जनवरी मंथ में होने वाले हैं। वेल, आपको उनमें से सबसे ज्यादा एक्साइटेड इवेंट कौन सा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड मंथ के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फेब में होने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद मनीवर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।